सौ सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली, जब उधर से इधर आना था तो वो भ्रष्टाचारी थे और जब इधर से उधर जाना था तो ये अपमानित हो रहे थे। गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। अरे आप तो रंग बदलू कलाकार हैं, गिरगिट भी शर्मा जाता है आपको देख करके। कब क्या बोलेंगे, आप अमीबा को भी शर्मा देते हैं, आप समाजवादी को अवसरवादी के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। तकरीबन 3 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस पर बीजेपी ने बड़ा निशाना साधा और कहा है कि ये जब हमारे साथ रहते हैं तो इनको अपमान लगता है और महागठबंधन से अलग यानी राजद से अलग होते हैं तो ये उनको भ्रष्टाचारी बताते हैं। तो नीतीश कुमार जो है सबसे फेल नेता है, वो जा रहे हैं दिल्ली लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अपने पार्टी को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो विपक्ष को एक वो क्या कर पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं दिल्ली में विपक्षी एकत्रीकरण के लिए। जो व्यक्ति अपने पार्टी को एकत्रित नहीं रख सका, जो पार्टी को टूट के कगार पर छोड़ दिया है, जो व्यक्ति में उनके पार्टी के लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके अन्य प्रदेशों के लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके चाल चेहरा और चरित्र और सत्तालोलुपता की राजनीति को सब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति का एकत्रीकरण कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नीतीश कुमार पूरे देश का सबसे फेल नेता और सबसे बड़ा सत्तालोलुप व्यक्ति है, जो परिवारवाद, अपराधवाद, सत्ता लोलुपता, अवसरवाद के प्रतीक हैं। सौ सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली, जब उधर से इधर आना था तो वो भ्रष्टाचारी थे और जब इधर से उधर जाना था तो ये अपमानित हो रहे थे। गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। अरे आप तो रंग बदलू कलाकार हैं, गिरगिट भी शर्मा जाता है आपको देख करके। कब क्या बोलेंगे, आप अमीबा को भी शर्मा देते हैं, आप समाजवादी को अवसरवादी के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। जय हो बिहार के मुख्यमंत्री जी। तो सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह को, जो लगातार बिहार सरकार को घेरते रहते हैं और साथ में ये कहा है कि जिस तरह से कल जेडीयू के बैठक से ये बात निकल करके आई कि अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि जो एक तरह से निशाना साधा कि 100 बिल्ली वाला जो कहानी सुनाया जो हज को चली, तो इसको लेकर के लगातार जो है बिहार सरकार को बीजेपी घेर रही है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के बीजेपी हमलावर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बात निकल कर आया कि अगर सभी विपक्ष एक हो जाए तो 50 सीटों पर भाजपा को रोका जा सकता है, लेकिन अब जो है आज दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में खबरें हैं कि केजरीवाल, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। अब वहां जाने के बाद कौन से नेता से मिलते हैं, हालांकि सोनिया गांधी से भी मिलने की चर्चा थी लेकिन सोनिया गांधी जो है अभी इंडिया से बाहर है, उनकी मां का देहांत हुआ था, वो अभी इटली के दौरे पर है। तो अभी जो है नीतीश कुमार को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा तेज है, वो आने वाले दिनों में कौन से नेताओं से मिलते हैं और कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन बीजेपी जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है। आए दिन सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, लगातार सुबह से शाम तक नीतीश कुमार को घेरने के कवायद में जुटे रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।